36 साल पहले सनी देओल को करती थी प्यार, अब बेटी के साथ दिखी तो पहचाना हुआ मुश्किल। नमस्कार दोस्तों, 80 के दशक में बॉलीवुड के लव अफेयर की बात की जाए तो सनी और डिंपल का नाम लिस्ट में सबसे पहले आता है। एक तरफ सनी देओल भी शादीशुदा थे तो वहीं दूसरी ओर डिंपल भी राजेश खन्ना की पत्नी थी, लेकिन उस समय इनका प्यार ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया था। दरअसल साल 1984 में रिलीज हुई फिल्म मंजिल फिल्म की शूटिंग के दौरान सनी देओल और डिंपल कपाड़िया के बीच प्यार के फूल खिले थे। कहा जाता है कि पहले शादीशुदा और दो बच्चों के पिता शादीशुदा होने के बावजूद उस समय पर सनी ने डिंपल को अपनी पत्नी मानने लगे थे। वहीं डिंपल भी उनके प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि वह उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उस बात को आज करीब 36 साल का समय बीत चुका है, लेकिन आखिरकार सनी देओल को पत्नी और बच्चों के लिए डिंपल को छोड़ना पड़ा था। इस तरह प्रेम कहानी का अंत आ गया। एक दूसरे से अलग होने के बाद दोनों अपने अपने फिल्मी करियर और परिवार में व्यस्त हो गए थे। ऐसे में हाल ही में डिंपल कपाड़िया को अपनी बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना और नातिन नितारा संग मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। जीन्स और टी शर्ट के साथ कॉटन जैकेट और गले में शॉल लिए नजर आई डिंपल कपाड़िया को देख कर कोई पहचान भी नहीं रहा था, जो आज 62 साल की उम्र में काफी बुजुर्ग दिखने लगी है। साथ ही उनके माथे के सफेद बाल भी बता रहे कि वह बुढ़ापे की चपेट में आ गई है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।